बिना देरी के सब्सक्राइब करें टेक्निकल चार्जर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का फीड आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आ गए हैं इस हफ्ते की पहली टेक न्यूज एपिसोड के साथ में, जिसमें दोस्तों आज की ढेर सारी नई टेक न्यूज पर बात करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं पुष्पा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों, बढ़ते हैं एपिसोड में हर दिन की तरह। आगे शुरू करते हैं सबसे पहली खबर, जो कि अमेज़न एलेक्सा के बारे में है। इंडिया में इस वॉइस सर्विस को लॉन्च हुए 3 साल हो चुके हैं, ऐसे में कंपनी ने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके हमारे सामने रखे हैं। इंडिया में 85% पिन कोड्स में अमेज़न एलेक्सा के सपोर्टेबल डिवाइस को कंपनी सेल कर चुकी है। इसके अलावा 50% जो अमेज़न एलेक्सा के यूज़र हैं वो नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। इंडिया की बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है एलेक्सा, लेकिन अभी पूरी तरीके से इसमें काम नहीं कर पा रहा है। कंपनी बहुत तेजी से कोशिश कर रही है कि और भी ज्यादा इन रीजनल लैंग्वेजेस का विस्तार किया जा सके। ऐसे में दोस्तों आप नीचे बताइए कि क्या अमेज़न एलेक्सा के सपोर्टेबल कोई डिवाइस आप यूज कर रहे हैं। इसके बाद आ रही है दोस्तों अगली खबर व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप ने आज एक नया फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। ढेर सारे यूजर्स को इसका अपडेट भी मिलना शुरू हो गया है। आपको फीचर में बता देते हैं कि जब कोई आप वीडियो किसी को शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप उससे पहले उसके वॉल्यूम को, साउंड को म्यूट कर सकते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए फायदा होने वाला है जो कि कोई वीडियो शेयर करना चाहते हैं लेकिन पीछे से उसमें जो भी बैकग्राउंड साउंड वगैरह नॉइस आ रही है उससे वो इरिटेट होते हैं। तो ऐसे में आप लोगों के लिए सहूलत मिल गई है। अगर आपने अभी तक अपडेट को नहीं देखा है तो जाकर एक बार प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर पर जाकर अपडेट चेक कर लीजिए और मजा लीजिए इस नए फीचर का। इसके बाद अगली खबर है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A52 5G स्मार्टफोन के बारे में। यूएस के अंदर FCC सर्टिफिकेशन पर फोन स्पॉट हुआ है। कुछ की स्पेक्स भी सामने आ गए हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट इसमें मिलेगा और एंड्रॉइड 11 मिलेगा आपको बॉक्स में ही, यानी कि एंड्रॉइड 11 यानी कि टॉप वर्जन के साथ में आप इस फोन का आनंद उठा सकेंगे। जल्दी फोन दोस्तों लॉन्च हो सकता है, अभी डेट अनाउंस होना इसकी बाकी है। इसके बाद खबर आ रही है OnePlus 9 सीरीज के टॉप वेरियंट 9 प्रो के बारे में। दोस्तों फोन के रेंडर स्पेक्स बहुत कुछ आप देख चुके हैं, हर दिन कोई ना कोई नई जानकारी आ ही जाती है। अब डिस्प्ले को लेकर दोस्तों डिटेल सामने आ रही है कि फोन में डिस्प्ले मिलेगी 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में, जिसका रेजोल्यूशन होगा 1440x3130। अब बाकी दोस्तों फोन लॉन्च शायद मार्च में हो सकता है या अप्रैल के शुरुआत में, कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों बहुत सारे सर्टिफिकेशन के साथ में फोन हमारे सामने आ चुका है, इंतजार करते हैं कुछ और डिटेल सामने आने का। इसके बाद खबर आ रही है एप्पल से आईफोन 12 सीरीज का मिनी स्मार्टफोन। तो दोस्तों आपको याद ही होगा शुरुआत में बहुत कुछ इसके बारे में कहा गया था, लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे लगता है कि इसकी डिमांड मार्केट में कम हो गई है, क्योंकि जानकारी आ रही है कि एप्पल के स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनी इसके प्रोडक्शन को बंद करने जा रही है जल्दी ही। और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है फिलहाल। जब तक 2-3 महीने का तो स्टॉक अभी कंपनी के पास ऑलरेडी है, उसके बाद शायद इसका प्रोडक्शन कंपनी पूरी तरीके से बंद कर देगी। इसके बाद खबर सैमसंग के एक और स्मार्टफोन के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन 2 महीने से इंडिया में चर्चा में बना हुआ था, फाइनली इसकी लॉन्चिंग डेट अनाउंस हो गई है। 15 फरवरी को इंडिया में दस्तक देने जा रहा है ये फोन, जो कि आएगा एक्सोनॉस 9825 चिपसेट के साथ में। इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है और बैटरी दोस्तों पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा मैसिव मिलने वाली है, तकरीबन 7000 mAh की। बाकी दोस्तों बहुत कुछ अभी कंफर्म होना बाकी है इस स्मार्टफोन के बारे में, देखेंगे दोस्तों ये बजट स्मार्टफोन और क्या क्या खूबियों के साथ में इंडिया में दस्तक देता है। इसके बाद दोस्तों एक और जानकारी आ रही है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी A12 स्मार्टफोन ये भी इंडिया में दोस्तों बताया जा रहा है अगले हफ्ते में लॉन्च हो सकता है, यानी कि A62 के साथ में शायद ये स्मार्टफोन भी इंडिया में लॉन्च कर दे कंपनी। ये स्मार्टफोन वैसे दोस्तों नवंबर 2020 में यूरोपियन मार्केट में किया गया था पहले अनाउंस, लेकिन दोस्तों अभी इंडिया में ये लॉन्च होने जा रहा है। इस फोन में बता दें 5000 mAh की बैटरी होगी, क्वाड कैमरा होगा 48 MP के सेंसर के साथ में। बाकी दोस्तों स्मार्टफोन देखते हैं कि लॉन्च होता है साथ में या फिर इसके लिए अलग से कोई डेट कंपनी अनाउंस करेगी। इसके बाद दोस्तों एक खबर आ रही है Xiaomi से। Xiaomi Mi Mix सीरीज को एक्सपेंड करने जा रही है, जल्दी ही स्मार्टफोन Mi Mix 4 भी लॉन्च होगा और साथ में यह भी जानकारी है कि एक नया स्टाइलिस टैबलेट भी इसके साथ में कंपनी लेके आएगी मार्केट में। फिलहाल अभी डेट कुछ भी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों Mi Mix सीरीज काफी पॉपुलर सीरीज है Xiaomi के, ऐसे में दोस्तों इसका अगला सक्सेसर वर्जन आना कमाल होगा और देखेंगे दोस्तों इसमें क्या इंप्रूवमेंट और क्या नया नया हमें देखने को मिलेगा।
इसके बाद खबर रियलमी रेस स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों रियलमी का ये नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन दोस्तों इंडिया में जल्दी लॉन्च होने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस फोन को BIS सर्टिफिकेशन पर स्पॉट किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों टीना पर भी ये फोन स्पॉट हो चुका है और भी ढेर सारे सर्टिफिकेशन के साथ में पहले भी नजर आ चुका है। अब स्मार्टफोन की दोस्तों डेट अभी अनाउंस होना इंडिया में बाकी है, देखेंगे दोस्तों कब तक इसे रियलमी लेके आता है। और इन सारी खबरों के बाद आज की आखिरी खबर आ रही है शाओमी से। शाओमी मी सीरीज का नया स्मार्टफोन मी 11 ग्लोबली आज लॉन्च होने जा रहा है। तकरीबन इंडिया के टाइम के मुताबिक 5:30 बजे शाम में इसका इवेंट है ऑनलाइन, जबकि ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। वैसे चाइना में तो ये पिछले ही साल लास्ट में यानी कि दिसंबर लास्ट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों ग्लोबल वर्जन जब लॉन्च होता है तो किस प्राइस रेंज में इसको कंपनी लेके आती है, क्या चाइनीज वर्जन के मुकाबले इसमें कुछ चेंज होगा, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि अभी जो शूट हो रहा है ये एपिसोड तो दोस्तों तकरीबन टाइम इसकी लॉन्चिंग के आसपास का ही है, इसलिए शायद आपको ये एपिसोड बाद में मिल सकता है, तब तक शायद ये फोन लॉन्च हो भी चुका होगा। बाकी दोस्तों फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, और भी ढेर सारी टेक्नोज अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। ये एपिसोड कैसा लगा नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो को लाइक करके दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक दोस्तों रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए मेरे चैनल साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।